ये पहला पण पार्टी ना संगठन काम माटे गुजरात में अनेक वर्षों सुधी काम करतो रह्यो। मैं गुजरात में चूंटणीओ लड़ावी पण खरी अने चूंटणीओ लड़ी पण खरी। सभाओ पण करी ने रेलीओ पण करी, परंतु आजे मारे कहेवू पड़शे कि आपणे त्यां गुजरात में बपोरे 11-12 वाग्या पहला जो कोई सभा करवी होय ने तो लोढ़ाना चना चावा पड़े। बधा एम के हाजे जरा ठंडक थाय त्यारे राखजो ने। मारा माटे आजे अचरज छे आणंद नुं आ विराट केसरिया सागर। मने लागे छे आणंदे आजे बधा ज रेकॉर्ड तोड्या छे अने आ चूंटणी मां पण आणंद ने खेड़ा बधा रेकॉर्ड तोड़से। ২০১৪ में आपे सौए मने देशनी सेवा करवा माटे मोकल्यो अने तमे जे मने शिक्षण आप्यु, तमे मने जे घड़तर कर्यु, सरदार साहेबनी आ भूमि माथी हूँ जे शीख्यो, ये बधु आजे मने देशनी सेवा करती वक्ते लेखे लागे जे कामे आवे छे। साथियों, आपणे ज्यारे गुजरात में काम करता था त्यारे आपणो गुजरात नो एक मंत्र हतो के भारतना विकास माटे गुजरात नो विकास। आपणे एवुं क्यारे नहोता कहता के देशनुं जे थवुं होय थाय अमारा गुजरातनुं थाय, एवुं नहोता कहता। आपणे हमेशा कहता था भारतना विकास माटे गुजरातनो विकास। अने हवे ज्यारे आपे मने देशनुं काम सौंप्युं छे त्यारे मारुं एक ज सपनुं छे के 2047 मां ज्यारे भारतनी आजादीना 100 वर्ष थाय त्यारे आपणुं हिंदुस्तान विकसित भारत होवू जोईए। अने आपणुं गुजरात पण विकसित भारत होवू जोईए। अने विकसित नो मतलब शुं छे ये आणंद खेड़ावाळा ना समजावू पड़े, कारण एमणे आखी दुनिया जोयेली छे। समृद्ध दुनिया केवी होय एमने खबर छे, प्रगति केवी होय एमणे जोई छे, अने एमना कुटुंबजनो आजे पण दुनियाना समृद्ध देशों में रहे छे। आपणे एवुं बनावानुं छे। अने एना माटे मारी पळे पळ आपना माटे, मारी पळे पळ देशना माटे। एटले मैं देश ने गेरंटी आपी छे 24/7 फॉर 2047। अने आ महान काम माटे 140 करोड़ देशवासियोंना सपना पूरा करवा माटे मने आपना आशीर्वाद जोईए। मने सरदार साहेबनी भूमिना आशीर्वाद जोईए।
आखा देश में आशीर्वाद मळे, पण ज्यारे सरदार साहेब नी भूमि ना आशीर्वाद मळे ने तो एने चार चांद लागी जाय। अने एटला माटे हूँ आजे गुजरात नी धरती पासे आशीर्वाद मांगवा माटे आयो छु। अहींया मारी ओळखाण में कहेवामां आव्यो कि हवे पीएम साहेब बोलशे, केवुं आम अतरूं लागे, आम आपणा कान में शब्दो ज ना घुसे। आम आपणे कहीए पीएम साहेब एटले आम जोवुं पड़े कोण, अने एम कहे नरेन्द्र भाई ओ आपड़ा नरेन्द्र भाई, एनी जे मजा छे ने भाई, ये पीएम साहेब पा डो होय। अने जारे घेर आईए अने घरना स्वजनो ओ नरेन्द्र भाई केम छो, एटले मने तो कोई पण गुजरात तो भाई मळे अटे सीधू ओ नरेन्द्र भाई हेलो समझी जाओ। दुनिया ना कोई पण देश में जाओ एले एकाद तो बड़े। पर भाईओ बहनों तमारो आ प्रेम तमारा आशीर्वाद ये खरेखर मारा जीवन नी मोटी मूड़ी छे। भाइयों और बहनों देश ने 60 साल तक कांग्रेस का राज देखा है और देश ने 10 साल भाजपा का सेवा काल भी देखा है। वो शासन काल था, ये सेवा काल है। कांग्रेस के 60 साल के शासन में करीब 60% ग्रामीण आबादी के पास टॉयलेट नहीं था, शौचालय नहीं था। ये 60 साल के बाद 10 साल में भाजपा सरकार ने इस देश में 100% टॉयलेट बना दिए। साठ साल में कांग्रेस देश में सिर्फ 3 करोड़ ग्रामीण घरों तक ही नल से जल की सुविधा पहुंचा पाई, यानी कि 20% भी नहीं, 20% से भी कम घरों में वो नल से जल पहुंचा पाई। 10 साल में ही नल से जल पहुंचने वाले घरों की संख्या आज 14 करोड़ घर हो गई है, यानी 75% घरों में नल से जल पहुंचा है। 60 साल मेरे 10 साल, आप देखिए कितना बड़ा फर्क है। 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, बैंकों पर कब्जा कर लिया और ये कहा कि बैंक गरीबों के लिए होनी चाहिए, इसलिए राष्ट्रीयकरण। आज स्थिति यह है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण गरीबों के नाम पर करने के बावजूद भी कांग्रेस सरकार 60 साल में करोड़ों गरीबों के बैंक खाते नहीं खोल पाई। मोदी ने 10 साल में
50 करोड़ से ज्यादा जनधन बैंक खाते खोले, जीरो बैलेंस से खोलने का निर्णय किया, जो बैंक के दरवाजे तक गरीब देख नहीं सकता था, आज गरीब बैंक में जाकर के हाथ मार करके उसके साथ कारोबार करने लगा है। साथियों, 2014 में जब आपने आपके इस बेटे को गुजरात से दिल्ली भेज करके देश की सेवा करने का आदेश दिया, उस समय बड़े विद्वान अर्थशास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे, उनके बाद मुझे मौका मिला। जब उन्होंने छोड़ा था तब देश दुनिया में 11 नंबर की इकोनॉमी थी, 11 नंबर, हमारा नंबर 11 पर था। 10 साल में गुजराती ने, एक चाय वाले ने, देश की इकोनॉमी को 11 नंबर से 5 नंबर पर पहुंचा दिया। कांग्रेस के चलते दशकों तक देश के संविधान के साथ भांति भांति के खिलवाड़ हुए। आप चौंक जाएंगे भाइयों बहनों, सरदार साहब जल्दी चले गए, उसके कारण देश को बहुत नुकसान हुआ है। और मेरे मन में कथक है कि सरदार साहब के सपने भी पूरे करने की कोशिश करो। आपको पता है भाई, ये कांग्रेस के शहजादे माथे पर संविधान रख करके नाच रहे हैं आजकल, देखा होगा आपने। लेकिन जरा कांग्रेस मुझे जवाब दे, जिस संविधान को आज माथे पर रख करके नाच रहे हो, क्या इस देश में 75 साल तक, 75 साल तक हिंदुस्तान के सभी हिस्सों पर ये संविधान लागू नहीं होता था? मोदी के आने के पहले इस देश में 2 संविधान चलते थे, 2 झंडे चलते थे, 2 प्रधानमंत्री थे। ये संविधान माथे पर लेकर के नाचने वाले शहजादे आपकी पार्टी कांग्रेस ने, आपके परिवारजनों ने देश में संविधान लागू नहीं होने दिया था। कश्मीर में हिंदुस्तान का संविधान लागू नहीं होता था। धारा 370 दीवार बन के बैठी थी, ये सरदार पटेल की भूमि से आए हुए बेटे ने उस 370 को भी जमींदोज कर दिया और सरदार साहब को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि मैंने दी है। मैंने सिर्फ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू बनाकर सरदार साहब को अंजलि दी है, इतना ही नहीं, मैंने कश्मीर को, कश्मीर में तिरंगा झंडा फहराकर, कश्मीर में संविधान लागू कर, कश्मीर में 370 हटाकर सरदार साहब के सपने को पूरा किया है।
साथियों, जितने साल हमारे देश में कांग्रेस सरकार रही, एक बड़ा हौवा था आए दिन, जब भी हो पाकिस्तान। आज देखिए, ये पाकिस्तान के आतंक का टायर पंक्चर हो गया है। जो देश कभी आतंकी एक्सपोर्ट करता था, वो आटे के इंपोर्ट के लिए दर दर भटक रहा है। जिसके हाथ में कभी बम गोला था, उसके हाथ में आज बीख का कटोरा है। कांग्रेस की कमजोर सरकार आतंक के आकाओं को डोजियर देती थी। डोजियर का मतलब है फाइल पे सारी जानकारियां इकट्ठी कर करके वो देते थे कि तुम्हारे लोग आए थे, ये उनकी फोटो है, यहां बम फोड़ के चले गए। तुम्हारे लोग आए थे, इतने लोगों को मार करके चले गए। तुम्हारे वो लोग आए थे, डोजियर देते थे, डोजियर, और फिर देश को बताते थे हमने पाकिस्तान को डोजियर दे दिया है। डोजियर और मोदी की मजबूत सरकार देखिए, डोजियर बोजियर में टाइम खराब नहीं करते। आतंकियों को घर में घुसकर मारते हैं। और साथियों, संयोग देखिए, आज जब भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यानी सूक्ष्म दर्शक यंत्र लेकर के भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है, लेकिन मजा यह है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं, शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा, और हम तो जानते ही हैं, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। भाइयों और बहनों, देश के दुश्मनों को आज भारत में मजबूत सरकार नहीं चाहिए, उनको कमजोर सरकार चाहिए। और ऐसी कमजोर सरकार जो मुंबई में 26/11 को आतंकी के हमले के समय थी ना, वैसी कमजोर डोजियर भेजने वाली, देश के दुश्मनों को वैसी ही करप्ट सरकार चाहिए जो 2014 से पहले थी।
देश के दुश्मनों को वैसी ही अस्थिर सरकार चाहिए जो 2014 से पहले देश में थी। मोदी की मजबूत सरकार न झुकती है और न ही रुकती है, और तभी आज दुनिया कह रही है, दुनिया के विकास को भारत ही गति दे सकता है। भारत पूरी दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है। दुनिया में झगड़े होते हैं तो भारत को विश्व बंधु के तौर पर झगड़ा सुलझाने वाले देश के तौर पर देखा जाता है। कहीं युद्ध होता है, अभी आपने देखा होगा रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही थी, दुनिया के अनेक देशों के लोग वहां फंसे हुए थे, वो वहां से बाहर निकलना चाहते थे और वहां एक ही पासपोर्ट चलता था। दुनिया के किसी भी देश के नागरिक को वो बम गोले के बीच से निकलना हो यूक्रेन में से तो एक ही पासपोर्ट चलता था, और वो पासपोर्ट था मेरे देश का तिरंगा झंडा। पाकिस्तान के लोग भी तिरंगा झंडा दिखाते थे तो वहां की सेना जाने देती थी। आपने यूक्रेन में देखा है, युद्ध के समय जो बच्चे थे वहां, सबने महसूस किया कि भारत के तिरंगे की ताकत क्या बड़ी है। भारत, आप में से तो आए दिन लोग विदेश जाते हैं, आपने देखा होगा आज हिंदुस्तान के पासपोर्ट की ताकत क्या है। ये होती है देश की साख। मुझे बताइए मेरे आनंद खेड़ा के भाई बहन, क्या आपको देश की ये मजबूती खबर मिलती है गर्व होता है कि नहीं होता है? दुनिया गर्व करती है तो आपको गर्व होता है कि नहीं है? आपका माथा ऊंचा होता है कि नहीं होता है? लेकिन ये कांग्रेस वो क्या कर रही है? कांग्रेस सिर्फ रोती बैठती है और मोदी को गाली दो। डिक्शनरी खोज करके रोज नई गाली निकालते हैं, रोज नई गाली निकालते हैं। और कांग्रेस आज मोदी देश को एक करने के सरदार के सपने को पक्का कर रहा है, कांग्रेस देश को बांटने में जुटी है। कांग्रेस समाज में लड़ाई झगड़ा कराना चाहती है। भाइयों और बहनों, आजकल पूरे देश में एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही है, लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस इतनी बौखला क्यों गई है, कांग्रेस इतनी संतुलन क्यों खो बैठी है। भाइयों बहनों, कांग्रेस आज फेक फैक्ट्री यानी फर्जी माल की फैक्ट्री बन गई है। मोहब्बत की दुकान बोलकर कांग्रेस झूठ का सामान क्यों बेचने लगी है? आपने देखा होगा जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया तो मैंने पहले ही बयान दिया था, उसी दिन मैंने कहा था कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है। अब कांग्रेस इतनी हताश और निराश है कि अपनी स्थिति बचाने के लिए उसने अपने आप को मुस्लिम लीग को समर्पित कर दिया है। और इसका कारण है
लगातार कांग्रेस का जो जनाधार खिसकता जा रहा है, 60 साल तक कांग्रेस ने जिनकी परवाह नहीं की, अब वो कांग्रेस की परवाह नहीं करते हैं। इसलिए ये कांग्रेस वाले छिटकते गए हैं, लोग परेशान हो गए हैं। और जो गरीब आंख बंद करके आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को लाएंगे जो नारा देते थे ना, वो सारे के सारे कांग्रेस को छोड़ चुके हैं, क्योंकि मोदी ने गरीब कल्याण का ईमानदारी से काम किया। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला, गरीबों को घर दिया, गरीबों को बैंक का खाता दिया, गरीबों को रोजगार के अवसर दिए। आजादी के बाद कांग्रेस ने गरीबों को अपना चुनाव का एजेंडा बनाया। हर चुनाव में नेहरू के जमाने से मनमोहन सिंह की सरकार तक कांग्रेस की रिमोट सरकार चलती थी। इस परिवार ने हर चुनाव के पुराने रिकॉर्ड निकाल लीजिए, वो हर सभा में एक ही मंत्र बोलते थे, गरीब 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 गरीब। यही उनका खेल चलता था। लेकिन जब 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 से मोदी गरीबों को पूजने लगा, मोदी के गरीबों के पैर धो करके उस जल को अपनी आंखों पर चढ़ाने लगा, मोदी जब गरीबों के आंसू पोंछने लगा, मोदी जब गरीबों के सपनों को संकल्प में बदलने लगा, मोदी जब गरीबों के नौजवानों के लिए अवसर देने लगा, तो गरीबों ने कांग्रेस के चरित्र को जान लिया, कांग्रेस को छोड़ दिया। अब कांग्रेस निराश्रित हो गई है। आज जब गरीब को पक्का घर मिल रहा है, और जब पक्का घर मिलता है ना गरीब को, तो चार दीवारें नहीं मिलती है। मोदी जब गरीब को पक्का घर देता है, तब सिर्फ चार दीवारें नहीं देता है, मोदी जब गरीब को पक्का घर देता है तब एक नया जीवन देता है। जब मोदी गरीब को घर देता है तब नए सपने बुनता है। जब मोदी गरीब को घर देता है तब उसे हकीकत बना करके देता है। जब मोदी को गरीब को घर देता है तब उसके अरमान जगा देता है। जब मोदी गरीब को घर देता है तब उसके सपनों को नया आसियाना देता है। जब मोदी गरीब को घर देता है तब उसके सपनों को नई उड़ान देता है, उनके अवसरों के लिए नई ऊंचाई देता है। और तब जाकर के पीढ़ियों के बाद एक गरीब अपना ठिकाना प्राप्त कर पाया है, उसको एक एड्रेस मिला है दोस्तों। और उस एड्रेस पर गरीब ने उस एड्रेस पर मोदी का नाम लिख दिया है दोस्तों। साथियों, ऐसा ही कांग्रेस ने एससी एसटी ओबीसी उनको भी अंधेरे में रखा, उनके साथ विश्वासघात किया। कांग्रेस ने कभी एससी एसटी की परवाह नहीं की। 90 के दशक से पहले से कांग्रेस ओबीसी आरक्षण, यानी जिसको अपने गुजरात में बख्शीपंच कहते हैं, बख्शी पंच के लिए ओबीसी के लिए हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया, परवाह नहीं की। बोले ये तो ऐसे ही है, ऐसे ही जीने के लिए पैदा हुई है। बरसों से ये हमारा बख्शी पंच के लोग, हमारा ओबीसी समाज कहता था कि ओबीसी कमीशन को, ये बख्शी पंच आयोग को संवैधानिक दर्जा मिले। कांग्रेस ने उनकी नहीं सुनी, ओबीसी के लिए एक के बाद एक काम। जब 2014 में आपका बेटा दिल्ली गया ना, तब जाकर के शुरू हुआ। और नतीजा ये हुआ कि ओबीसी, ये हमारे बख्शी पंच लोगों के लोग, कांग्रेस से दूर भाग गए, पहचान गए कांग्रेस को। और बहुत बड़ी मात्रा में
एससी एसटी ओबीसी भी आज भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी ताकत बन गया। साथियों, कांग्रेस ने कभी समझा ही नहीं कि हमारे देश में आदिवासी समाज भी है। इतने साल तक कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय तक नहीं बनाया। बीजेपी सरकार ने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय, अलग बजट बनाया। उन्होंने उपेक्षा करते रहे, आदिवासी समूह की जो उपेक्षा वो करते रहे, घनघोर उपेक्षा करते रहे और दशकों तक उन्होंने उपेक्षा की और उनको एक हाशिए में रखा। उन्होंने भी कांग्रेस को किनारा कर लिया। आज देर में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों से भी कांग्रेस या तो गायब हो चुकी है या तो तीसरे नंबर पे कहीं इंतजार करती खड़ी है। कांग्रेस इन लोगों ने कांग्रेस के छुटकारा ले लिया। आज बीजेपी के एमएलए एमपी की संख्या सबसे ज्यादा बीजेपी की एससी एसटी ओबीसी है। आज मेरे मंत्रिपरिषद में 60% से ज्यादा एससी एसटी ओबीसी समुदाय के लोग हैं और इसलिए कांग्रेस को लगता है सब कुछ लूट गया, अब आने वाले 100 साल तक कहीं कोई किनारा नजर नहीं आ रहा है और इसलिए आज कांग्रेस गरीब को नफरत करने लगी है। आज एससी एसटी ओबीसी इनको नफरत करने लगते हैं और ये बात कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रही है। भाइयों बहनों, कांग्रेस एससी एसटी ओबीसी को बहुत नाराज है, उनकी वोट बैंक चली गई है और इसलिए हम नई साजिश रच रहे हैं और नई साजिश रची है। साथियों, आप सब जानते हैं कि दशकों से कांग्रेस का सबसे बड़ा वोट बैंक माइनॉरिटी का रहा है और उसमें भी मुसलमान। इस वोट बैंक को उन्होंने बहुत पाला पोसा है, बहुत खातिरदारी की है। बीते दशकों में क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस के इस वोट बैंक में भी सेंधमारी कर दी। जो प्रादेशिक पक्ष है ना, उन्होंने उसमें से क्योंकि कांग्रेस 10 बोलती थी वो 20 बोलते थे, कांग्रेस 25 बोलती थी 50 करो, उनको पता चल गया है कि कांग्रेस को मारने का यही तरीका है। तो जो प्रादेशिक पक्ष पैदा हुए उसमें से बहुत सारे उन्होंने कांग्रेस को जो मोनोपोली थी माइनॉरिटी की उस पर भी डाका डाल दिया। इसलिए अब कांग्रेस नई नीति रणनीति बना रही है। जब कांग्रेस सत्ता या विपक्ष में, वहां माइनॉरिटी के वोट बैंक को साथ रखने के लिए तुष्टीकरण में और तेजी से आगे बढ़ रही है। कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को अपने साथ रखने के लिए ओबीसी और दलितों के आरक्षण का कोटा मुसलमानों को देना तय किया है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी संविधान बदलना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि एससी एसटी ओबीसी के हलका, उनके हक का जो आरक्षण है वो अपने खास वोट बैंक को दे सके। कांग्रेस की इस साजिश के बारे में पहले ना कांग्रेस के दरबारी कुछ कहते थे और ना ही उनके लोग। 24 के चुनाव में मोदी ने कांग्रेस की ये सारी साजिश देश के सामने रख दी है। इसलिए कांग्रेस और उसके दरबारी मोदी से इतना गुस्से में है, ये चाहे जितना भी गुस्सा कर ले, मोदी आज पूरे देश को ये गारंटी दे रहा है कि एसटी एससी ओबीसी और सामान्य वर्ग के जो गरीब लोग हैं उनका जो आरक्षण है, जो संविधान के तहत मिला हुआ है, बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा मिला हुआ है, भारत की संसद ने दिया हुआ है, ये बीजेपी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है, ये बीजेपी सरकार की गारंटी है कि धर्म के आधार पर किसी को भी एससी एसटी ओबीसी और जनरल के आरक्षण में से
रत्ती भर भी हाथ नहीं लगाए दिया जाएगा। मैं जरा आज सरदार साहब की भूमि से इस शाही परिवार को चुनौती देता हूं। सरदार साहब ने जिंदा जी दी थी, अब मैं उनका स्मरण करके दे रहा हूं। मैं सरदार साहब की भूमि से शाही परिवार के शाहजादे को चुनौती देता हूं। मैं सरदार साहब की भूमि से पूरी कांग्रेस को और उनके चट्टे बट्टों को चुनौती देता हूं। मैं उनकी पूरी इकोसिस्टम को चुनौती देता हूं। और मेरी तीन चुनौतियां हैं और मैं मीडिया को भी चुनौती देता हूं। जिन शब्दों में मैं कह रहा हूं उस शब्दों में छाप करके दिखाइए। उनको लगता है कि मोदी ने बात छाप दी, टीवी में दिखा दी, तो शायद कांग्रेस कहीं की नहीं रहेगी। मेरी तीन चुनौतियां हैं कांग्रेस और कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम को। पहली चुनौती, कांग्रेस और उनके चट्टे बट्टे देश को लिखित में गारंटी दें कि वो संविधान बदलकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगी। देश को बांटने का काम नहीं करेगी। मेरी दूसरी चुनौती है कांग्रेस देश को लिखित में दे कि वो एसटी एससी ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण में सेंधमारी नहीं करेगी, उनका अधिकार नहीं छीनेगी, डाका नहीं डालेगी। मेरी तीसरी चुनौती है कांग्रेस देश को लिखित में गारंटी दे कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की और उसके साथियों की सरकार है वो कभी भी वोट बैंक की गंदी राजनीति नहीं करेंगे। वो बैकडोर से ओबीसी का कोटा काटकर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगी। ये मेरी तीन चुनौतियां हैं। शाहजादे हिम्मत हो तो आ जाओ, संविधान को माथे पर लेकर के नाचने से बात नहीं बनती है। संविधान के लिए जीना, संविधान के लिए मरना ये सीखना है तो मोदी के पास आओ। मैं जानता हूं कांग्रेस मेरी ये चुनौती नहीं स्वीकार करेगी क्योंकि इसकी नीयत में खोट है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कहा है, आज भी कहा है, देश की एकता और अखंडता के लिए, देश के सर्वांगीण विकास के लिए हमारे एससी एसटी समुदाय, हमारा ओबीसी समुदाय, हमारे जनरल समुदाय के गरीब वर्ग, उनको जो अधिकार मिले हैं उन अधिकारों को न कभी हम हाथ लगाएंगे और न ही हम किसी को हाथ लगाने देंगे। साथियों, इंडी गठबंधन की एक और रणनीति की पोल उसके ही नेता ने देश के सामने खोल दी है। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। सामान्य मदरसा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है, हाईली क्वालिफाइड फैमिली और कांग्रेस के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए परिवार,
ये मुसलमान परिवार ने कहा है, नारा दिया है वोट जिहाद करो। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है, जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है। इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है, संविधान का भी अपमान किया है। और कांग्रेस के एक भी नेता ने अभी तक इसका विरोध नहीं किया है, मौक सम्मति दे दी है। ये वोट जिहाद के बाद भी कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को ही आगे बढ़ाती है। एक तरफ इंडी गठबंधन एसटी एससी ओबीसी सब सामान्य वर्ग को बांटने में जुटा है और दूसरी तरफ वोट जिहाद का नारा लगा रहा है। आज समझ सकते हैं कि इंडी गठबंधन के इरादे कितने खतरनाक है। साथियों, मैं बहुत लंबा बोल गया भाई, मारे आजे चार सभाओं करीने रात्रे कलकत्ता पहुंचवानू छे। आई थी सुरेंद्रनगर, जूनागढ़, जामनगर ने त्यादी कलकत्ता, आटलू पूरतू छे ने। हवे विजय पाको ने, वधुमां वधु मतदान थशे ने, मतदानना जूना रेकॉर्ड तोड़ीशू, जम्मे तेटली गर्मी होय तो तोड़ीशू। 7 मई 7 मई 7 मे हवे 5 જ દાડા બાકી રહ્યા છે ને ભાઈ, હવે આ 5 દાડા તો પૂરી તાકાત લગાવી પડે હો। समाज ने बधा वर्गों ने जोड़े लईने आपणे आ वक्ते गुजरात माथी बधी लोकसभा नी सीटों तो मोकलवानी ज छे, अने मने खातरी छे के तमारो दीकरो त्यां बैठो होय अने तमे कमल ना चढ़ावे एवुं बने काय। अने मने तो કોઈએ કહ્યું સાહેબ ગુજરાતમાં તો તમે પ્રચાર માટે ના આવો, પણ હું પ્રચાર કરવા આવ્યો જ નથી, હું તો તમારા દર્શન કરવા આવ્યો છું, તમારા આશીર્વાદ લેવા આવ્યો છું, અને તમારા બધાનો ઉત્સાહ જોવો ને મને ઉર્જા મળે એટલા માટે આવ્યો છું। પણ આપણે બધા પોલિંગ બુથ જીતવા છે ભાઈ, જીતીશું। અને મારો તો આગ્રહ છે કે સવારમાં દરેક પન્ના પ્રમુખ 25-25, 30-30 वोटर नो थाड़ी वगाड़ता वगाड़ता गीत गाता गाता लोकशाही नो उत्सव मनावता मनावता वोट आपवा जाए। लोकशाही नो उत्सव होवो जोईए, खाली पोलिंग बूथ पासे फुग्गा लांगाई एवुं नहीं, आखा पोलिंग बूथ ना बधा घरों में उत्सव नो वातावरण होय भाई, लोकशाही छे। अने दीकरो आपणो त्यां बैठो छे भाई, तो गुजरात तो जबरदस्त उत्सव मनावो जोईए। गम्मे तेटली गर्मी होय, रजाओनो ढगलो होय हामे, तो पण पहेलू काम मतदान, पछी जलपान। आपणा त्या आणंद माथी अमारा साथी भाई मितेश पटेल, अने खेड़ा थी अमारा साथी भाई देवूसिंह चव्हाण, अने खंभात विधानसभा में भाई चिराग पटेल, आमारा तने साथियों ने आप विजयी बनाओ। मारी साथे बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय, सरदार जय, सरदार जय, सरदार जय।